नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल उषा मिश्रा के हमारा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी डोसा, और ये डोसा बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा। तो इसके लिए मैंने बचे हुए ही एक कटोरी चावल लिए हुए हैं। आप इसी से कटोरी से मेजरमेंट करें। आप कोई भी चावल ले सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने जो डेली बनता है वही चावल लिया है। तो अब हम एक जार लेते हैं और जार में चावल को डाल देते हैं। ये पके हुए चावल हैं और इसमें हम एक कटोरी सूजी डाल देते हैं। तो मैंने जिस कटोरी से चावल लिए थे उसी कटोरी से मैंने सूजी ली है, और उसी कटोरी से मैंने एक कप छाछ ली हुई है जिसे बटर मिल्क भी बोलते हैं। आप दही डालें तो आधा कप दही इसमें डाल सकते हैं। और अब इसमें हम एक कटोरी पानी डाल देते हैं। अब हमें इसे ग्राइंड करना है, तो इसका हमें स्मूथ टेस्ट बनाना है। तो इसको हम क्या करते हैं कि दो बार चला देते हैं। चलाने के बाद इसको ढक करके 10 मिनट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट बाद इसको हम दोबारा ग्राइंड करेंगे, जिससे कि सूजी जो डाली है वह अच्छे से ग्राइंड हो जाए और ये स्मूथ पेस्ट बन जाए। तो आप देख सकते हैं कि बढ़िया सा स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार है। तो जार में अभी हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और अब हम इसको एक साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। तो मैंने एक जार लिया, इसमें मैंने डाल दिया पुदीना पत्ती। तो मैंने ढेर सारी पुदीना पत्ती ली हुई है और इसमें हम डाल देते हैं एक आलू। ये आलू उबली हुई है। डाल देते हैं इसमें दो हरी मिर्च और इसमें हम डाल देते हैं दही। तो आधा कप मैंने दही लिया हुआ है और इसमें डाल देते हैं अदरक। हम डालेंगे इसमें काला नमक आधा चम्मच और अब इसमें हम डाल देते हैं आधा चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर। थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देते हैं और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारा बढ़िया सा परफेक्ट रायता बनकर तैयार है। अब ये पूरी तरीके से नहीं बना है, तो इसमें हम लगा देते हैं तड़का। तो हींग, जीरा, सरसों और लाल मिर्च से मैंने इसमें तड़का लगा दिया। अब इसको हम एक साइड रख देंगे। अब चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। एक कढ़ाई रखते हैं, इसमें हम ऑयल डाल देते हैं। तो मैंने दो चम्मच जितना ऑयल इसमें डाल दिया। इसमें हम डाल देते हैं सरसों, ये काली सरसों है, आप राई भी डाल सकते हैं। और इसमें हम डाल देते हैं हींग। तो जब भी ऑयल गर्म हो जाए तब डालें। तो इसमें हम एक चम्मच जीरा डाल देते हैं और ये हम डाल देते हैं कड़ी पत्ता। साथ में इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं और इसमें हम डाल देते हैं एक बारीक कटा हुआ प्याज। इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे, हमें बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है, हल्का सा इसको भून लेना है जिससे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें हम आलू डाल देते हैं। तो आलू को मैंने अच्छे से मसल लिया है, हमें काट कर इसमें नहीं डालनी है, हमें इसमें मसल कर ही डालनी है। अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। अब इसमें डाल देते हैं हम एक टमाटर। मैंने टमाटर इसमें ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि टमाटर डालने से ये थोड़ा सा अलग तरीके का हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा टमाटर इसमें डाला हुआ है। और अब इसमें हम डाल देते हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर डाल देते हैं, आधा चम्मच नमक डाल देते हैं, थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल देते हैं, चौथाई चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल। अब इसमें हम डाल देते हैं एक चम्मच खटाई पाउडर, ये मैंगो ड्राई पाउडर है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर बहुत अच्छा आया है। इसको आप सैंडविच में भर सकते हैं, इडली के साथ परोस सकते हैं, या पराठा बनाए तो उसमें भी डाल सकते हैं इसको। ये बहुत ही स्टफिंग में काम आएगी सब्ज़ी। अब इसमें हम डाल देते हैं हरी मिर्च। तो मैंने तीन हरी मिर्च डाली हुई है। अब इसमें हम डाल देते हैं धनिया पत्ती, जिससे कि इसका टेस्ट और बढ़िया हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी बनती है ये। आप इसको पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं, पराठा के साथ भी खा सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसको ठंडा होने देते हैं। चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। तो देखिए करीब 10 मिनट रखे हो गए हैं, ये अच्छे से देखिए कितना बढ़िया हो गया। तो थोड़ा सा हम अलग कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें पूरा नहीं बनाना है, इसलिए हम थोड़ा अलग रख देते हैं। और इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, चौथाई चम्मच जितना, इसमें ज़्यादा नमक अभी नहीं जाएगा। आधा चम्मच जितना हम पीसी चीनी डाल देते हैं इसमें। आप चाहें तो खड़ी चीनी डाल दें, जब ग्राइंड करें तभी डाल दें। और अब इसमें हम डालेंगे इनो, तो आधा पैकेट हम इसमें इनो डाल देंगे। अब इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा पानी और इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है।
दोस्तों इस तरीके से डोसा आप बनाएंगे तो आपका डोसा बहुत क्रिस्पी बनेगा। आप चाहें तो इसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा डाल सकते हैं इनो की जगह, या फिर बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर डाल दें यदि ये दोनों चीज़ें ना डालें तो। अब मैंने तवा रख दिया था, तवा अच्छे से गर्म हो गया, तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं, ग्रीस कर देते हैं। अच्छे से ग्रीस करना, अब टेम्परेचर इसका डाउन करना है, तो इसके लिए हम पानी की चीटे लगाएंगे। यदि आप इस तरीके से डोसा बनाएंगे तो हूबहू ऐसा ही डोसा बनेगा जैसे मैंने बनाया है। अब इसमें हम बैटर डाल देते हैं, तो देखिए 1 चमचा के जितना मैंने बैटर डाला। अब इसको कुछ इस तरीके से फैला देते हैं, गैस का फ्लेम लो रखेंगे, हाई बिल्कुल नहीं रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये फैल चुका है। बस इसी तरीके से हल्के हाथों से आपको फैला देना है, आप चाहें तो कटोरी से भी फैला सकते हैं। थोड़ा सा बीच से इसको पतला कर देंगे। अब इसको हम थोड़ा सा पकने देते हैं, तो घुमा घुमा कर इसको हम पकाएंगे जिससे चारों तरफ ये बराबर से सिक जाए। अब इसमें हम लगा देते हैं थोड़ा सा ऑयल जिससे कि ये और क्रिस्पी बनेगा। ऊपर से भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं, थोड़ा सा और इसको पका लेते हैं। तो 3 से 4 मिनट इसको पकने में समय लगेगा। आप देखते होगे होटल में यदि आप जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ समय लगता है डोसे के लिए। तो देखिए अच्छे से कलर नीचे से आ गया है। अब आप चाहें तो इसको ऐसे ही पलटा दें, पर हम इसमें सब्जी रखेंगे। सब्जी रखने के बाद इसको हम मोल्ड कर देंगे। तो बस इस तरीके से हमें देखिए इसको पलटा देना है, बहुत ही क्रिस्पी है ये। यदि हम इसको पेपर डोसे की तरह मोल्ड कर रहे हैं तो ये नहीं हो रहा है। तो बस इस तरीके से देखिए मैंने धीरे से इसको मोल्ड कर दिया, बहुत ही क्रिस्पी बना है, बहुत ही बढ़िया बना है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, हमें पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप इस तरीके से देखिए मैंने इसको सर्व करेंगे। मैंने इसके साथ कैरी की चटनी बनाई हुई है, आप कोई भी चटनी जो खाना पसंद करें उस चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। सांभर के साथ भी सर्व कर सकते हैं, मीठी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पर मैंने इसे खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व किया। अब देखिए हम दूसरा बना करके आपको दिखाएंगे। तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से फैला दिया, अब इसको हम पलट देते हैं। तो इसमें हम लगा देते हैं आलू, तो आप जो बाज़ार में खाते हो हैं उस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको मोड़ दिया, ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। कुछ इस तरीके से हमें इसे मोड़ना है, बस अच्छे से इसको फोल्ड कर दिया और पलट देते हैं जिससे कि थोड़ा सा ये और क्रिस्पी हो जाए। दोस्तों बाज़ार में जब बनता है तो तवा बड़ा होता है तो उसमें बड़े बड़े बन जाते हैं, पर घर में कुछ इसी तरीके से बन पाएंगे, लेकिन बनेंगे बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो मैंने 2 दिखा दिए बना करके, अब हम आपको तीसरा भी बना करके दिखाते हैं। तो मैंने इसको कटोरी से देखिए कुछ इस तरीके से फैलाया, बड़ी आसानी से फैल जाता है। एक छोटी सी कटोरी ले लें, बस हल्के हाथों से उसमें फैला दें। यदि आपको चमचे से फैलाने में दिक्कत होती है, अब इसमें भी हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। गैस का फ्लेम लो रखेंगे, हाई बिल्कुल नहीं रखेंगे। यदि हाई रखेंगे तो चीला बन जाएगा और डोसा नहीं बनेगा, पर यदि आप इसको लो फ्लेम में पकाएंगे तो आपका भी डोसा इसी तरीके से क्रिस्पी बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा निकाला और अब ये अपने आप देखिए निकल आएगा। ये देखिए पूरा निकल आया। अब इसमें भी हम आलू लगा देते हैं। आप चाहें तो सादा डोसा जिस तरीके से पेपर डोसा होता है उस तरीके से भी बना सकते हैं, बहुत ही यमी बनेगा, बहुत ही बढ़िया बनेगा, झटपट बन जाएगा और बचे हुए चावल भी प्रयोग में आ जाएंगे। आज से आप चावल यदि बच जाए तो उनको फेंके नहीं, उसका कुछ इस तरीके से प्रयोग में लाएं। और ये रेसिपी तो सबको बहुत पसंद आती है, हमें पूरी उम्मीद है आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। तो देखिए इसको भी मैंने बातों बातों में अच्छे से सेक लिया, ये क्रिस्पी हो गया। तो इसको हम निकाल लेते हैं, तो बढ़िया सा यमी सा हमारा देखिए ये भी डोसा बनकर तैयार है। तो दोस्तों यदि ये हमारी डोसे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल।